बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक और ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आए हैं अरवी की सालन की। बहुत डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है ये, बिल्कुल यूनिक सी। आप उसको ज़रूर बनाइएगा, इसे बच्चे भी शौक से खाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले अरवी को छीन लिया, मैं इसको अच्छी तरह धो लिया था। हाँ, तो मैं ग्लव्स पहन लीजिएगा या ऑयल लगा लीजिएगा या कोई शॉपर पहन लीजिएगा ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो। इसको हम अच्छी तरह से छीन लेंगे। अब जैसी मर्ज़ी आप इसके साइज़ अपने मर्ज़ी से आप कट कर लीजिएगा। मैं थोड़े बड़े साइज़ के कट करूँगी और इसे मैं 2 टेबल स्पून ऑयल लगा के इसको रख दूँगी। आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें। 1/4 कप हमें इमली का पानी चाहिए, 1 कप हमें दही की चाहिए, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर इसको बारीक बारीक काट लिया है, 1/4 कप ऑयल चाहिए और 1/2 टीस्पून अजवाइन। उसको भून के मैंने कूट लिया है, अजवाइन को हल्का सा भून लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको जलाएगा नहीं। देखिए हल्का सा मैंने भून के इसको कूट लिया है। इसके अलावा हमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट का चाहिए। इसके अलावा 1 कप हमें ऑनियन के चाहिए, प्याज का मैंने इसको पीस लिया है। इसके अलावा स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक। नमक अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें 6 करी लीफ के चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालीजिएगा। 1 टीस्पून हमें इसमें जिंजर के चाहिए, अदरक के, इसको हम जूझे में कट कर लेंगे। 4 हमें सूखी वाली लाल मिर्ची चाहिए और 4 हरी मिर्चें और 1/2 कप हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। अब जो अरवी को हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लगा के रखा था उसको हम 1 कप दही के साथ अच्छी तरह भून लेंगे, इसमें जो लेस आता है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं अरवी को, लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। 1/4 कप हम ऑयल के शामिल करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। एक मिनट तकरीबन हमने इसको अच्छी तरह भूना है। अब इसमें 1 कप हम प्याज की और पेस्ट को शामिल करेंगे, यानी 1 कप प्याज से पीसी हुई, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसालों का अच्छी तरह भूनना है क्योंकि प्याज हमारी बिल्कुल कच्ची है, तो उसको हमें अच्छी तरह भूनना है। अब इसमें हम 1 टमाटर भी शामिल कर लेंगे और इसमें अरवी को शामिल कर लेंगे जो हमने दही के साथ भुना था। अब इसको मसालों के साथ अच्छी तरह हम उसकी भुनाई कर लेंगे। अब यह अरवी हमारी क्योंकि कच्ची है, इसमें हम पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी से नरम हो जाए। मैंने थोड़े बड़े साइज़ की कटिंग की है, आप छोटे साइज़ की भी कट कर सकते हैं तो ये जल्दी बन जाएगी। मैं इसको तकरीबन 10 मिनट ढक के पकाऊंगी मीडियम फ्लेम में। दस मिनट हो गए हैं, ये भी हमारी अरवी कच्ची है तो हम इसको अभी मज़ीद पकाएंगे 15 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे बड़े साइज़ की अरवी है। अभी देखें ये 15 मिनट हो गए और ये हमारी अच्छी सी नरम हो गई है। जैसे हम आलू को गलाते हैं सेम इसी तरह हमें इसको सॉफ्ट करना है, अच्छा सा गलाएगा। मसालों की अच्छी सी भुनाई कीजिएगा ताकि इसमें से कच्चापन ना आए।
टाइम आप मिर्च और नमक वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आप खाते हो उस हिसाब से आप नमक मिर्च ऐड कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें हम कड़ी पत्ता की शामिल करेंगे, 6 कड़ी पत्ता हैं, 4 गोल वाली लाल मिर्चें हैं और 4 ग्रीन हरी मिर्चें, उनको मैंने बारी बारी काट लिया है। अगर आपके पास कड़ी लीफ ना हो तो आप नहीं डालें। इसके अलावा अदरक है, उसको हमने लंबा लंबा काट लिया है, इसको भी शामिल कर दिया है। इसके अलावा ये हरा धनिया है, थोड़ा सा हम अभी डालेंगे और बाकी हम गार्निश में यूज़ करेंगे। यह अजवाइन है 1/2 टीस्पून, इसको मैंने रोस्ट करके हल्का सा कोट लिया था, वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, इससे बढ़िया अच्छा टेस्ट आएगा। आप ज़रूर इसको शामिल कीजिएगा। इसके अलावा 4 टीस्पून इमली का पानी है, इससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे 1 से 2 मिनट। मैंने ऑयल कम यूज़ किया, आप ऑयल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा ऑयल यूज़ करना तो आप इसमें ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें मिक्स करनी, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब ये हमारी मज़ेदार सी अरबी सालन रेडी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा।